हेलो दोस्तों, मैं हूँ वर्तिका और आप देख रहे हैं भास्कर आनंद जोशी व्लॉग्स। आज मैं हूँ नैनीताल में और यहाँ पे पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ बर्फ़ के कुछ नज़ारे। तो आज मैं सुबह ये जो है नैनीताल के कुछ आपको पहाड़ियों के में जो बर्फ़ गिरी है उसका दृश्य दिखाता हूँ। और ये देखिए नैनीताल का दृश्य, और ये यहाँ भी छत में अभी कल जो बर्फ़बारी हुई थी वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए बर्फ़ का आनंद। कितना सुंदर दृश्य है ये नैनीताल की चोटियों का, बर्फ से भरे हुए। हम पहुंचे हैं नैनीताल में, मजबूरी बस रात में आना पड़ा और अभी सुबह सुबह जा रहे हैं, तो आपको नैनीताल के कुछ दृश्य दिखाते हैं। इनको देखिए और इसके बारे में कमेंट कीजिए। तो ये नैनीताल की सुबह के 7:40 का समय है। अब हम थोड़ा हल्द्वानी जा रहे हैं और उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये हमारे साथ बोरा जी और ये करण पांडे जी, ये सब आए हैं और हम अपनी बिटिया को लेने आए हैं इधर। और आजा बेटा इधर आजा यार, तेरे चक्कर में तो हम इधर आए। आजा आजा, तब भी ऐसे ही आइए। ये हमारी बिटिया है, ये देखिए नेहा। काफी ठंड है इधर दोस्तों। कल रात जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में बाघ आगे से झपट पड़ा, और जो बाघ झपटा तो उसने हमारी गाड़ी में ये पंजे मारे हैं। देख सकते हैं जो ये पंजों के निशान है, मैं आपको दिखाता हूँ जो ये है पंजे के निशान। ये देखिए ये पंजों के निशान है, ये देखिए गाड़ी में, ये देखिए पंजों के निशान आपको दिख रहे हैं। ये आपको पंजों के, ये पंजों के निशान है। जो बाघ था वो करीब करीब 7 फीट लंबा था। तो अब हम ये नैनीताल से अब हम प्रस्थान करते हैं और थोड़ा आपको ताल के भी दृश्य दिखाते हैं। तो आपको अब हम थोड़े से नैना देवी के भी दर्शन करवाते हैं मल्लीताल का। अब हम अभी हल्द्वानी जाना है किसी काम के सिलसिले में, रात में मजबूरी में आना पड़ा और हमारी गाड़ी में रात में बाघ भी झपट पड़ा था। तो अभी ये सुबह का जो दृश्य है आपको दिखाया मैंने अभी पहले भी। तो अब हम यहाँ से हल्द्वानी को की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे इस समय, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ यहाँ के दृश्य। ये नैनीताल की पहाड़ियाँ। ये हल्द्वानी को जाते हुए, वो हल्द्वानी नीचे देखो पहाड़ी के नीचे। अच्छा हल्द्वानी भी दिख रहा है अभी। मेरे को तो उतना हल्द्वानी नहीं दिख पा रहा ना, मैं कहाँ देख पा रहा हूँ, चश्मा वाला आदमी हुआ क्यों? वो खुरपा ताल को जाती है। अच्छा ये खुरपा ताल को सड़क है और ये चौकी नहीं बनी है ना यहाँ पे। हाँ खाली खड़े रहते थे आप।
अच्छा बहुत सुंदर शांत रोड समय हल्द्वानी का नजारा कुछ खास। अच्छा सामने पैराग्लाइडिंग हो रही। मैंने भी करी तो मैं देख लेता हूँ फिर दिखाते हैं पैराग्लाइडिंग हो रही है। अरे वाह हाँ वो दिख रहा है कौवा कौवा जैसा दिख रहा जो। अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा तो सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है। हाँ दो जने उसमें दिख रहे हैं दो हैं। अच्छा वो बताए वो बताएगा ग्लाइडिंग हो रही ना। ये जगह कौन सी हुई प्यारा सा स्नोमैन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।